वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज काफ़ी दिनों बाद आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि मैं कुछ काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त था और आपके लिए कंटेंट कुछ लेके नहीं आ पा रहा था। फिर काफ़ी सारे मेरे भाइयों की रिक्वेस्ट आने पे आज एक कंटेंट आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें मैं आज ही बातें बताने वाला हूँ जो कि आपके से रिलेटेड आप गाड़ी का ध्यान रख सकते हैं, जिससे आपकी गाड़ी जो है सदा नई बनी रहे और वैसी ही परफॉर्मेंस देती रहे जिस तरीके की कंपनी से शोरूम से आई थी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें, और जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। तो आइए देखते हैं वीडियो। बहुत सारे मेरे जो हैं सब्सक्राइबर्स ये बोल रहे हैं कि सर अर्बन क्रूजर का जो है एयर फिल्टर किस तरीके से चेंज होता है। हाँ, नो डाउट, अगर आप अपनी कार का एयर फिल्टर साफ रखते हैं तो गाड़ी की परफॉर्मेंस में और माइलेज में कभी भी कोई कमी नहीं आने वाली है। आज मैं कुछ वही प्रोसीजर दिखाने वाला हूँ। सबसे पहला जो पॉइंट है वो एयर फिल्टर से रिलेटेड होने वाला है कि किस तरीके से ओपन करके आप क्लीन या रिप्लेस कर सकते हैं। तो आइए देखिए, दो तरीके के क्लिप होते हैं, इनको जस्ट अपनी तरफ खींचना है और ये आपका एयर फिल्टर निकल आएगा। यहाँ आप देख सकते हैं ये रहा एयर फिल्टर, और इसको इस तरीके से बाहर निकाल लीजिए। ये एयर फिल्टर आपके हाथ में आ चुका है, जो कि मेरा एक बार रिप्लेस हो चुका है, मैं इसे करवा चुका हूँ, लेकिन ये काफी ज्यादा गंदा हो रहा है कुछ इस तरीके। Fight the fear when I feel like dying. I'm trying to fly high, but I'm not a pilot, can't deny it. There's some days I feel idiot. एयर फिल्टर की सफाई भी कुछ इस तरीके से हो जाएगी, और ध्यान रखे इसे इसी तरफ झाड़ना, उल्टी तरफ झाड़ने की कोशिश ना करें। लगभग इसकी सारी मिट्टी निकल चुकी है, और ये आपका एयर फिल्टर देख सकते हैं एकदम क्लीन हो गया है। इतनी अंदर गंदगी है, एक सूखा कपड़ा ले लें, साफ कपड़ा हो तो ज़्यादा अच्छा है। माइक्रोफाइबर की ज़रूरत नहीं है, बट मेरे पास अभी था नहीं तो मैंने अपना गाड़ी का अंदर का ही कपड़ा ले लिया, और इसको कुछ इस तरीके से झाड़ सकते हैं। देखो यहाँ पे पत्ते वगैरह भी आ रखे हैं, तो इसी सफाई करना बहुत मस्त है। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, अगर आप ये करते हैं अपनी गाड़ी में लगभग हर 5-6 हज़ार किलोमीटर पे, तो गाड़ी का जो मूवमेंट है प्लस पेट्रोल की कंजम्पशन है वो एकदम बढ़िया रहती है, इतनी ज़्यादा कंजम्पशन नहीं करता। और बहुत ही इजी तरीका है, बहुत सारे मेरे भाई कमेंट में पूछ रहे थे कि एक वीडियो बनाओ, तो मैं आज के लिए वीडियो ला चुका हूँ। मेरा एयर फिल्टर नया ही है, तो जस्ट मैं इसी को दोबारा लगा रहा हूँ, मैंने साफ़ कर लिया है। जो भाई रिप्लेस करना चाहते हैं वो इस तरीके से एलिमेंट को बिठाएं, और ये चीज़ का ध्यान रखें कि जिधर ये कॉलर है ये ऐसे बैठेगा, बिल्कुल एकदम स्नग फिट हो जाएगा, कोई इसमें और कुछ करना नहीं है। ये इसके ऊपर रखें, और इन चीज़ों का ध्यान जरूर दें, यहाँ पे ये दो इस एक ग्रूव के अंदर बैठने चाहिए, अगर ये बैठेगा नहीं तो ये क्लिप लगेंगे नहीं। ये लग गया इसका क्लिप, और ये मैंने पाइप भी निकाला था, देखें इसमें भी अगर मिट्टी है, तो ये मेरे पाइप में भी बहुत ज़्यादा मिट्टी है, जहाँ तक हो सकता है उतना ही साफ कर पाऊँगा। और इसको लगा दें ऐसे, और यहाँ पे भी एक लॉक है। पूर्ण पॉइंट गाड़ी के ब्रेक से रिलेटेड होने वाला है। जिन भाइयों ने लगभग मेरे साथ साथ ही अर्बन क्रूजर परचेज की थी, और गाड़ी को लगभग 1.5 साल के आसपास हो चुका है या 18 महीने हो चुके हैं, ब्रेक से रिलेटेड भी आपको ध्यान रखने की अब ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि किसी भाई की गाड़ी 20 हज़ार भी चली हो सकती है, कोई 25 हज़ार भी हो सकता है, कोई 10-12 हज़ार पे भी हो सकता है हमारी तरह। ब्रेक का जो है रूटर वगैरह, इस पर जो है अपना जो लाइन्स वगैरह हैं उनको एक बार ज़रूर चेक कर लें, जैसे जिस तरीके से मेरे पे नज़र आ रही हैं एकदम इवन है, कुछ भी अनइवन नहीं है, ना कोई लाइन है, मतलब एज स्मूथ एज न्यू है अभी तक, तो ये देख लें। दूसरी चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है आपका ब्रेक पैड, जो यहाँ पे अपना जो है हाथ से अनुभव कर सकते हैं कि भाई अभी उसके अंदर मटेरियल है कि नहीं, कितना गैप है। यहाँ से मुझे गैप क्लियर नज़र आ रहा है, बहुत माइन्यूट सा, देखो यहाँ से राइट में गैप नज़र आ रहा है, इसका मतलब ब्रेक पैड पे अच्छा खासा मटेरियल है। इन चीज़ों को यूनिफॉर्म चेक करते रहें, और प्लस आपके रोटर पे कोई लाइन वगैरह नहीं होनी चाहिए, एकदम स्मूथ और इवन सरफेस होना चाहिए।
रेगुलर देखते रहें, क्योंकि अगर आपका नहीं आप इसको देखेंगे तो लगभग 5 से 6 हज़ार के खर्चे के नीचे आ जाएंगे, अगर आपके जो इस गाड़ी के अंदर कोई भी ऐसा इंडिकेटर नहीं है जो कि आपको मीटर क्लस्टर में दिखाए कि आपके जो ब्रेक पैड्स हैं वॉर्न आउट हो चुके हैं। तो आपको ये रेगुलर देखना पड़ेगा हर 5-6 हज़ार 10 हज़ार के अंतराल पर। अगर आप गाड़ी कंपनी ले जाते हैं वो अलग बात है, लेकिन अगर जो अगर खुद ही इतने जागरूक हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप इतने जागरूक रहेंगे तो आपकी गाड़ी आपको कभी रास्ते में धोखा नहीं देगी। तो टायर से रिलेटेड जी हाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और बहुत सारे लोग इन्हें वीडियो में नहीं कवर करते अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस से रिलेटेड, बट ये क्या है गाड़ी के जूतों के समान है। अगर आपको कहीं पर भी एक जगह से दूसरी जगह पॉइंट ए से पॉइंट बी ले जाने के लिए आपके टायर ही महत्वपूर्ण है, और उनका बहुत अच्छे से और जागरूक होकर ध्यान रखें, क्योंकि अगर कभी रास्ते में कहीं ऐसी सड़क हो जिसमें मतलब आप रात के 1-2 बजे ड्राइव कर रहे हों और सुनसान हाईवे और कोई पंचर वाला तक ना मिले तो कितनी दिक्कत हो सकती है, या कार से रिलेटेड जो है टायरों से रिलेटेड या सस्पेंशन से रिलेटेड कोई इशू हो जाए। देख सकते हैं ये टायर है गाड़ी का जो कि कंपनी के साथ ही आया हुआ है, 205 सेक्शन का टायर है और MRF का है, देख सकते हैं आप। तो इसके अंदर जो इसकी जो ग्रूव्स हैं वो अभी तक इतने ज़्यादा वियर आउट नहीं हुए 10 से 12 हज़ार चलाने पे, क्योंकि मेरी गाड़ी की जो ब्रेकिंग वगैरह है और ड्राइव वगैरह इतने हार्श रोड पे नहीं है और मैं बहुत ही स्मूथ ब्रेकिंग करता हूँ गाड़ी में। इन चीज़ों को देखें, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि गाड़ी का जो टायर है ना एकदम इवन वियर आउट होना चाहिए, ये नहीं कि इधर से ज़्यादा घिस रहा है या इधर से ज़्यादा घिस रहा है, टायर हर जगह से एकदम बराबर घिसना चाहिए जिस तरीके से ये है। और उसको आप जो है लगभग हर 10 हज़ार पे जब भी कंपनी से सर्विस करवाएं तो व्हील में व्हील की क्रॉस रोटेशन ज़रूर करवाएं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके टायर की लाइफ के लिए। और अनइवन जो वियर है उसको हमेशा नोट करें, अनइवन वियर होना बिल्कुल टायर में नहीं चाहिए, टायर इधर से भी बराबर घिसना चाहिए इधर से भी बराबर घिसना चाहिए। सेकेंडली, अगर आपकी गाड़ी लेफ्ट या राइट पुल कर रही है तो कंपनी में जाके तुरंत ही उसकी अलाइनमेंट करवाएं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है गाड़ी के अच्छे मतलब अच्छा चलने के लिए और टायरों की अच्छी लाइफ के लिए और आपके सस्पेंशन के लिए भी। बाकी एक बात और है कि टायर से रिलेटेड मेरे पास सवाल आते रहते, भाई साहब आप कोई भी टायर डलवा लीजिए, ऐसे मेरे पास कई क्वेश्चन आते तो उनका जवाब दे रहा हूँ, कोई भी टायर डलवा लीजिए, अगर आपका सस्पेंशन में दिक्कत है ना तो गाड़ी टायर खाएगी ही खाएगी। और मेन उसके लिए जो है कैम्बर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल है, कैम्बर हमेशा एकदम परफेक्ट सेट रहना चाहिए। और जो लोग ज़्यादा गड्ढे वगैरह में गाड़ियाँ चलाते हैं, जिनके घर के आसपास ज़्यादा गड्ढे वगैरह हैं तो उनके यहाँ तो ये इशू आना ही आना है, लगभग 2 से 4 हज़ार 5 हज़ार किलोमीटर पर भी आपको अलाइनमेंट करवानी पड़ सकती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि मैंने आपको 3 दिए हैं गाड़ी की इंजन से रिलेटेड और सस्पेंशन से रिलेटेड, ये ब्रेकिंग से रिलेटेड। अब थोड़े से उसके एक्सटीरियर के ब्यूटिफिकेशन के 2 पॉइंट दे देता हूँ और वीडियो को सम अप करता हूँ। मेरा काम है मैं आपके लिए इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहता हूँ ताकि आप अपने घर में जो है अपनी गाड़ी का ध्यान खुद ही रख सकें, क्योंकि ऐसा होता है कि गाड़ी के बारे में ज़्यादा जो है जो उसको ड्राइव कर रहा है वो ही जानता है और किसी बंदे को नहीं पता। मैकेनिक के पास भी आप लेके जाएंगे तो आपको बताना ही पड़ेगा कि भाई ये गाड़ी में दिक्कत है, तो पहले आप ही जान लीजिए, क्या पता वो दिक्कत बड़ी ही ना बने। जैसे शरीर है हमारा, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले हमारा शरीर हमको ही बताता है कि सर में दर्द हो रहा है पैर में दर्द हो रहा है, उसी तरीके से गाड़ी भी है, गाड़ी का भी बिल्कुल उसी से रिलेटेड है और उसी तरीके से गाड़ी बताती है पहले कि भाई ये दिक्कत आनी शुरू हो गई है। तो उसका ध्यान रखें, नज़रअंदाज ना करें, मेरा वादा है आपकी गाड़ी आपको कभी धोखा नहीं देगी लंबे रास्ते पे। के ग्लास से रिलेटेड होने वाला है, कई लोग क्या करते होंगे कि अगर गाड़ी के ऊपर थोड़ी बहुत भी मिट्टी है, देख सकते हैं इस समय गाड़ी के शीशों पे काफ़ी मिट्टी है, थोड़ा सा दूर से दिखा देता हूँ मैं, काफ़ी मिट्टी इतनी अगर आपको कैमरे में विजिबल नहीं है तो लेकिन है, और उसको कुछ इस तरीके से कपड़े से साफ़ कर देते होंगे, लेकिन जो कि बिल्कुल गलत है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए, हल करना है। आप पहले गाड़ी के शीशे पे कुछ इस तरीके से पानी डालें, जो लोग अपने घर में गाड़ी धो रहे हैं वो भी बिल्कुल नॉर्मली धो सकते हैं, और इस तरीके से इसको पानी डाल के कर लें, और आप देख सकते हैं पानी अच्छी खासी मात्रा में आ गया। एक ये प्रोडक्ट है जिसे कहते हैं वाइपर, ये स्पेशली कार के लिए आता है, वैसे हाउस होल्ड भी है, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको आप लें और जस्ट इस तरीके से वाइप कर दें, ये आपका शीशा वाइप हो चुका है, सारी मिट्टी नीचे आ गई है और गाड़ी के शीशे पे स्क्रैच पड़ने के चांस भी ना के बराबर हैं, मतलब असंभव से ही है। ये देखो पानी किस तरीके से हो रहा है।
ये वाइपर इस्तेमाल करें। थोड़ा सा माफ़ करना भाई, अंधेरा हो गया है। और इसको करके और जस्ट एक कपड़ा लेके जो ये नीचे पानी इकट्ठा हुआ है इसको ऐसे वाइप कर दें। देख सकते हैं शीशे कितने ज़्यादा क्लीन हो गए हैं, दूर से आप देख सकते हैं। लगभग आपको 5 पॉइंट दिए हैं और इस वीडियो को यहीं पे समअप करता हूँ। अगली वीडियो में मैं एक्सटीरियर से रिलेटेड लेके आने वाला हूँ। अगर आप भाइयों की भी कोई रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे कमेंट्स में नीचे बता सकते हैं। मैं जो भी आप भाई वगैरह कमेंट करेंगे और वो मुझे यूज़फुल लगेगा तो मैं उसके ऊपर कंटेंट ज़रूर लेके आऊँगा। बाकी नई हाई राइडर के बारे में भी एक वीडियो पर कंटेंट आने वाला है, बहुत जल्दी आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड देने वाला हूँ। और लेटेस्ट और लास्ट अपडेट ये है कि अर्बन क्रूज़र जो है टोयोटा की वेबसाइट से डिसकंटिन्यू हो गई है। अब वो आपको टोयोटा की वेबसाइट पर मिलेगी नहीं। जो भी शोरूम सेल कर रहे थे वो स्टॉक लास्ट तक था और वो स्टॉक ख़त्म हो गया है, तो अब तो मिलनी संभव नहीं है। तो बस इसी वीडियो को इतना ही रखते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी भाइयों को राम राम।